हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ उनसे आप प्रोग्रामिंग सीख पा रहे होंगे। एंड अगर कोई आपके पास सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप वो सजेशन भी मुझे दीजिए। सो गाइज, इस वीडियो में मैं जावा में प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हम एक नंबर इनपुट लेंगे और उस नंबर की टेबल प्रिंट करेंगे। सो गाइज, इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको लूप्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया सबलाइम टेक्स्ट को, एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम था उसे हमने कर दिया है क्लोज। नाउ जावा फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव कर दिया है टेबल डॉट जावा नाम से। सबसे पहले हमने इम्पोर्ट करवाया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। इसे इम्पोर्ट क्यों करवा रहे हैं? ताकि हम लोग यूज़र से इनपुट लेके नंबर की टेबल जो है वो प्रिंट करवा सकें। देन हमने जनरेट किया मेन फंक्शन, यहाँ हमने एक एन वेरिएबल बना दिया, एक आई वेरिएबल क्रिएट कर दिया, एंड स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने के बी, एंड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने यूज़र को मैसेज दिया एंटर ए नंबर। नाउ एन इक्वल टू मैंने कर दिया के बी डॉट नेक्स्ट इंट। देन हमने लूप सेटअप किया। लूप से पहले हम एक काम और करते हैं, मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, एक टेबल ऑफ एन एज। देन हमने लूप सेटअप किया आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। अब ये आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 10 ही क्यों किया है हमने? उसके पीछे रीज़न ये है, किसी भी नंबर का जब पहाड़ा या टेबल हम प्रिंट करते हैं, आप बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर इंटू 1, नंबर इंटू 2, नंबर इंटू 3, यही करते हैं। तो लूप में हमने प्रिंट करा दिया एन इंटू आई को। अब देखिएगा, आई की वैल्यू पहली बार 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, तो एन इंटू आई प्रिंट हो जाएगा, यानी एन इंटू 1। फॉर एग्जाम्पल, एन अगर हमने 10 इनपुट दिया था तो 10 इंटू 1 हो जाएगा 10। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होएगी, 2 हो जाएगी, लूप की कंडीशन टेस्ट होएगी, ट्रू है, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। देन आई की वैल्यू 3, आई लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, एन इंटू आई दैट मीन्स 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू बढ़ के 4, आई लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ट्रू है, तो 10 इंटू 4 40 प्रिंट हो जाएगा। फिर 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 6 60, देन 10 इंटू 7 70, 10 इंटू 8 80, 10 इंटू 9 90, 10 इंटू 10 100, तो 10 की पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। फिर जब आई की वैल्यू बढ़ के 11 होएगी तो आई लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो लूप हमारा चलना बंद हो जाएगा। सो गाइज, आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ मैंने राइट क्लिक किया सबलाइम विंडो में, ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे क्लिक किया, नाउ विंडोज एक्सप्लोरर में एड्रेस बार में जाके हमने टाइप किया CMD। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है कंपाइल करने के लिए, जावा सी टेबल डॉट जावा। देन एग्जीक्यूट करना है तो जावा एंड जो हमारी क्लास है उसका नेम, सपोज दैट मैंने 10 इनपुट दिया। अब देखिए 10, 20, 30, 40 ये एक साथ प्रिंट हो रहा है ना। हम चाहते हैं कि स्पेस आए, एन इन टू आई के बाद में स्पेस आए, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे एन इन टू आई को डाल दिया ब्रैकेट में, प्लस कर दिया हमने एक स्पेस, या टैब डाल देते हैं बैक स्लैश टी डाल के। अब हम इसे करते हैं वापस से कंपाइल एंड रन, तो ये बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रिंट हो गई 10 की टेबल। मैंने इनपुट दिया 120, ये 122, 120 की टेबल। मैंने इनपुट दिया 5, ये 5 की टेबल। इनपुट दिया 13, ये 13 की टेबल। सो गाइज, ये था हमारे पास प्रोग्राम कि एक नंबर किस तरह से हम इनपुट देंगे और उसकी टेबल किस तरह से प्रिंट करेंगे। होपफुली आप लोगों को प्रोग्राम समझ आया होगा। गाइज, कोई भी डाउट अगर आपको इसमें लगता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो बेझिझक इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, या फिर पर्सनली आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे चैनल एंड इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।